चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिक्ड वीडियो मामले में जो तीन आरोपी है उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उनको लिया गया है 7 डेज के रिमांड में। क्या है ये पूरा मामला और क्या होगा उनके साथ 7 डेज के इस रिमांड में, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फ्लैश 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इनको पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ जहाँ एक लड़की ने अपने ही कॉलेज के वीडियो को उसने शेयर कर दिया अपने ही एक मेल फ्रेंड के साथ और उस लड़के ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। बहुत ही शर्मनाक हादसा है जो एक लड़की ने खुद किया है दूसरे लड़कियों के साथ और इसका असर यहाँ तक पड़ा है कि जो न्यूज़ेस आ रही थी कि उन 60 लड़कियों में से 8 लड़कियों ने शर्म के मारे सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ऐसे दो की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को सरासर नकार दिया है। उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है और सारे 60 जो लड़कियां हैं वो सही सलामत है। आज वो जो तीन आरोपी है, वो लड़की और साथ वो दो लड़के जिन्होंने ये शर्मनाक कारनामा किया, उनको पुलिस ने अपने रिमांड में ले लिया। पुलिस रिमांड एक ऐसी चीज है जहाँ पे पुलिस जो आरोपी है ना उससे सच उगलवाने की हर कोशिश करते हैं। शाम दाम दंड भेद सब करते हैं। इन 7 दिनों में पुलिस का यही काम है कि इनको कोर्ट में पेश करने से पहले इनसे सच्चाई उगलवाई जाए, इनके मुंह से जो सच है वो निकाली जाए। तो इनके साथ इन 7 दिनों में क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हो, क्योंकि पुलिस अपनी जी जान लगा देगी इस मामले की सच्चाई को निकालने के लिए और इसको निकालना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हादसा है। वो जो 60 लड़कियां थी उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज के हॉस्टल पे रह रही थी। वो हॉस्टल पे रह के अपने हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको नहीं पता था उन्हीं लड़कियों में के बीच में रहने वाली एक और लड़की ऐसी हरकत करेगी जिससे वो 60 लड़की उनको उनका जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उस लड़की की। शायद उसके माँ बाप ने उसको समझाया तो होगा पर वो लड़की ढंग से समझ नहीं पाई कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। जिस तरह से उसने अपने दोस्तों का इज्जत उछाला है वो सरासर निंदनीय है, सरासर माफी के लायक नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि इस 7 दिन में पुलिस इनसे सच्चाई उगलवाए और इनके लिए जो सजा डिजर्व करते हैं वो सजा उनको कानून के तहत पे रह के मिले। आपको क्या लगता है कि इन 3 जनों के साथ क्या होने वाला है इतने शर्मनाक हादसे के बाद, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो पे।